हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेट स्टार्ट टुडे क्लास सिक्स इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट सोशल साइंस। चलिए देखते हैं हम चैप्टर सिक्स, किंग्स किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। सब चैप्टर है किंग्स। किंग्स मतलब राजा है, किंगडम्स साम्राज्य और अर्ली रिपब्लिक। अर्ली मतलब पहले और रिपब्लिक मतलब गणराज्य, है ना, जो कि जो जनता होती है, जो लोग होते हैं सिटीजन, उनके द्वारा बनाया गया शासन बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जनपद से महाजनपद, किस तरह से जो होती है बहुत सारी जो जनपद मिलके वो महाजनपद, ठीक है, महाजनपद जो होती है वो बनती है इस तरह यहाँ पर। फिर उसके बाद में, ठीक है ना, तो सबसे पहले जनपद होता है और जनपद से फिर बनती है महाजनपद। आई बात समझ में आपके? फिर उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स ये दिया गया है यहाँ पर, है ना, इसको आप पढ़ना है घर से और जब भी इसको स्टार्ट होंगी हम उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स, है ना, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक है, किस तरह से स्पेशल फीचर्स है आप महाजनपद के एडमिनिस्ट्रेशंस। फिर उसके बाद, है ना, उसके कुछ वर्किंग्स है, टैक्स टैक्स वगैरह इस तरह से टैक्स पे करते थे, उसमें किसान हो गए, हैंडलूम्स वाले हो गए, बुनकर हो गए, हेडर्स, है ना, हेडर्स चरागाह जो कि मवेशी चराते थे, ये किस तरह से टैक्स पे करते थे। उसके बाद में शिकार, हंटर्स, गैदर्स ऑल्सो पेड, है ना, जो कि संग्राहकर्ता बोल सकते हैं, जिसको अपन गैदर्स मतलब संग्राहकर्ता और हंटर्स शिकारी, किस तरह से ये शिकार करने के लिए भी जो है वो राजा को पे करते थे। उसके बाद में चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में किस तरह का चेंज हुआ, किस तरह से नई नई स्कीम्स वगैरह डेवलप की गई, ये सब बताया इसमें। कौन कौन सी सॉइल्स वगैरह होती थी, है ना, किस मिट्टी में किस तरह से अनाज जो है वो उपयोग किया जाता था, उसके बारे में। फिर उसके बाद सोसाइटी, सोसाइटी में हम बात करते हैं सबसे ऊपर जो है वो जो वर्ण वंश जिसको अपन कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव, है ना, वैश्यज, और सबसे आखिर में शूद्रों को स्थान दिया गया था। इस तरह से एक सोसाइटी बनी, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण का सम्मान होता था, फिर क्षत्रिय का, वैश्य का, और फिर शूद्र का, है ना। शूद्र को सेवक के रूप में माना जाता था, इनका काम होता है कि उस समय सेवा करना, इन जो भी तीन वंशज है उनकी, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रेड के बारे में बताया, किस तरह से व्यवसाय, कारखाने, व्यापार होता था, ठीक है, किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह व्यापार और आयात और निर्यात किया जाता था। तो इस तरह से एक साम्राज्य का निर्माण हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम, है ना, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर हम। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, इसको PDF के द्वारा आपको सेंड किया गया है। ट्रू फॉल्स है, मैचिंग से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देखते हैं अपन। सबसे फर्स्ट, नेम द टू रिलीजियंस दैट फ्लोरिस्ड, है ना, फ्लोरिस्ड इन द मगध एम्पायर, ठीक है। मगध एम्पायर के दो अपने को रिलीजियंस के बारे में बताना है, धर्म के बारे में बताना है। तो फर्स्ट वन देखते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दो धर्म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वन, व्हाट इज रिपब्लिक, रिपब्लिक के बारे में पूछ रहा है, गणराज्य क्या होता है। तो देख सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स व्हेन पीपल इलेक्टेड देयर रूलर्स, एक सिस्टम होता है उसके तहत जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से बनती है, ये पीपल द्वारा चुने गए जो रूलर्स होते हैं, शासक होते हैं, उनके द्वारा गवर्नमेंट का निर्माण, सरकार का निर्माण होता है। थर्ड वन देखते हैं, नेम एनी टू फेमस रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मगध, मगध के दो प्रसिद्ध जो है राजाओं के नाम बताना है। तो देख सकते हैं हम, सबसे पहले हैं बिंबसार और अजाशत्रु, ठीक है, ये दो फेमस मगध के जो है वो शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ,
व्हाट इज महाजनपद, महाजनपद के बारे में पूछ रहे हैं कि महाजनपद क्या है। चलिए देखते हैं, महाजनपद वेयर बिग एंड पावरफुल जनपद, मतलब महाजनपद क्या है। महाजनपद एक पावरफुल, एक बड़ा और पावरफुल जनपद है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, वाई वी आर महाजनपद फोर्टिफाइड, है ना, फोर्टिफाइड का मतलब होता है दृढ़, है ना। तो महाजनपद वी आर फोर्टिफाइड फॉर प्रोडक्शंस फ्रॉम अटैक्स बाय द अदर किंग्स। ठीक है, महाजनपद क्या करती थी, सबसे पावरफुल क्या काम था, प्रोटेक्शंस करना। जब कोई दूसरा राजा, अदर स्टेट का जो राजा है, जब हमला करता था तो उसको बचाना, ये उसका काम था।